और पंजाब सरकार की बात करें तो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को, शिक्षा विभाग को ऐसा नोटिस भेजा है, ऐसा आदेश जारी किया है, जिसके बाद वहां पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। जी हाँ, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा क्या आदेश जारी कर दिया गया है जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है? सियासत क्यों तेज है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आप रिपोर्ट देखिए। पंजाब सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट से निकले एक ऑर्डर ने पंजाब में सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दरअसल पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक ऐसा अटपटा ऑर्डर जारी किया है जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने शिक्षा विभाग को आदेश जारी कर कहा कि वो 8वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को हर शुक्रवार सुबह 9 से 10 बजे तक अपने आसपास के इलाकों में डोर टू डोर जाकर डेंगू का लार्वा चेक करना है। इस आदेश पर भगवान मान सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। विपक्ष ने इसे बच्चों के हेल्थ के साथ और पढ़ाई को नुकसान पहुंचाने वाला आदेश करार दिया। देखो, मेरे को तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि ये जो इनका जो मॉडल है हेल्थ का, जो दिल्ली में इन्होंने ट्रायल किया और पंजाब में बड़ी उत्सुकता से लागू किया था, उसकी तो बिल्कुल ही फूक निकलती नजर आ रही है। हैरानगी की बात है कि इन्होंने जो बच्चे जो 8वीं कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक, उनका तो एंटी डेंगू कंपेन के लिए उनकी ड्यूटी लगा दी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता पंजाब में तो। और मेरा ख्याल है कि बच्चों की पढ़ाई भी खराब होगी। वहीं बीजेपी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया ने मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल उठाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सोच का दिवाला निकला हुआ है। तो पहले तो कहते हैं हम मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बना रहे हैं मोहल्ले मोहल्ले में, तो अब वो जो है कभी बच्चों को ले जाने की क्या जरूरत है, जब मोहल्ला क्लिनिक है तो वहाँ से जो है पैरामिलिट्री मेडिकल स्टाफ जो वो जा सकता है। तो अगर जो उनकी जो स्कीम है, तो इस तरह से मैं तो कहूँगा कि उनकी सोच का दिवाला निकल गया आम आदमी पार्टी की। स्कूली बच्चों से डेंगू के लार्वा चेक कराने के आदेश पर पंजाब सरकार पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने मांग की है कि इस आदेश को तुरंत वापस लिया जाए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ ना हो।